हेलो एवरीवन, आप सभी का बच्चों हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में बताएंगे कि बोर्ड एग्जाम में आपको इस बार 27 फरवरी को विज्ञान की कॉपी किस तरीके से लिखनी है, ओमेन शीट में क्या ध्यान रखना है, प्रेजेंटेशन कैसी होगी, और साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगा कि बोर्ड एग्जाम के पेपर विज्ञान में अच्छे नंबर आप कैसे ला सकते हैं। ठीक है, जो खुद बोर्ड वालों ने बताया वो टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो वीडियो को कर दो लाइक क्योंकि बाद में भूल जाते हो। तो सबसे पहले आएंगे जो ओमेन शीट आपको मिलेगी, ये आपको पूरी भरी हुई आएगी, जैसे जिला का कोड, केंद्र का नाम, आपका रोल नंबर, विषय कोड, ये इतना पूरा फिल किया हुआ आएगा आई थिंक। ठीक है, और उसके बाद ये चीज़ मिलेगी, जैसे प्रश्न पत्रों का मार्क सीरीज जो होगा वो पहला अक्षर यहाँ लिखना है, जैसे कि सपोज करो ए लिखा हुआ है और दूसरा सपोज करो यहाँ एच लिखा हुआ है, कुछ जो कोड होता है ना 822 अंदर जो होता है वो लिखना है। आपको ए लिखा है तो इसको पूरा अच्छे से फिल करना है। ठीक है, जैसे ये एच है ना, ऐसे ऐसे फिल नहीं करना है तो वो स्कैन अच्छे से नहीं हो पाएगी क्योंकि कंप्यूटर स्कैन करता है, तो पूरा गोल ऐसे फिल करना है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। उसके साथ साथ परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, जैसे मेरा नाम तारक है तो यहाँ पर प्रॉपर पूरा, ठीक है, यहाँ पर केंद्र का जो मोहर लगेगा, कक्ष निरीक्षक यहाँ पर हस्ताक्षर होंगे, और जैसे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जैसे सपोज करो आपने पहले का आंसर कुछ लगा दिया, सपोज करो बी लगाया है ना, पहले का आंसर बी लगाया आपने, तो यहाँ पर आपको पहले का आंसर आपने बी लगाया वो लिख भी देना, क्योंकि ये आपको फाड़ के दे दी जाएगी घर के लिए। ठीक है, यहाँ पर आपके परीक्षार्थी आपके हस्ताक्षर होंगे, यहाँ पर कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर होंगे, यहाँ पर उनकी मोहर होगी। ठीक है, यहाँ पहला अक्षर जो आपने ए लिखा और यहाँ एच लिखा वो लिखा रहेगा, और ये फाड़ के आपको घर के लिए दे दिया जाएगा कि बाई तो भी अगर कोई मिस्टेक हो जाती है नंबर देने में आपको, तो आप ये चीज़ उनको दिखा पाएँ कि भाई यहाँ देखो ये मैंने लिखा था, यहाँ उनकी मोहर है, तो यहाँ पर मिस्टेक क्यों आ रही है, नंबर क्यों मेरे कम आ रहे हैं, तो उस स्थिति में ये काम करेगा। तो ये ओमेन शीट कैसे करना वो मैं तो मैंने आपको बता दिया। अब ये चीज़ बननी आपको आती होगी, दो पेपर आपने दे दिए, फिर भी मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ। जैसे कि आपका कोई भी अनुक्रमांक है, 1 2 3 0 5 7 कोई भी अनुक्रमांक है, तो ऐसे लिखेंगे यहाँ पर 1 2 कॉमा लगाकर 3 0 5 7। ठीक है, विषय आपका क्या है बच्चों, विज्ञान है, तो यहाँ विज्ञान लिखेंगे। प्रश्न पत्र में क्या लिख देंगे, केवल, जो भी आपका कोड है जैसे 821 BA ये आप लिख देंगे पूरा। परीक्षा का दिन जो भी होगा आपका, ठीक है, 27 का जो दिन होगा, जो भी दिन है यहाँ पर लिख देंगे, मंगलवार या बुधवार जो भी दिन पड़ रहा है उस दिन। डेट लिखेंगे, परीक्षा तिथि लिख देंगे, तिथि आपकी 27 फरवरी 2023 है, और पाली कौन सी, प्रथम पाली हमारी, ये आप यहाँ लिख देंगे। उसके बाद केंद्र का जो भी नाम है वो आप यहाँ लिख देंगे, जो भी आपका केंद्र का नाम है, XYZ कुछ भी लिख सकते हैं, जो आपका केंद्र वही नाम लिखेंगे यहाँ पर। उसके साथ साथ यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, परीक्षा कक्ष, जो आपका रूम नंबर है 17 18 जो भी है, 15 1 2 वो लिख दोगे। उसके बाद कक्ष निरीक्षक के यहाँ पर हस्ताक्षर होंगे और यहाँ पर डेट आएगी उनकी, और ये चीज़ वो लिखेंगे या आप नहीं लिखोगे। ठीक है, और फिर वो आराम से चेक करेगा, आप भी चेक करना, आप उनसे चेक करवाना है, इस पर उनकी मोहर साइन होनी बहुत ज़रूरी है, और जो रजिस्टर मिलेगा आपको रूम में वो भी साइन करना। अगर आप बी शीट लेते हो तो बी शीट को भी अच्छे से भरना और उसको यहाँ से टाइट करके बांधना, ठीक है, ताकि बाहर ना निकले। अब जैसे एग्ज़ाम में आपको मिले, ठीक है, कॉपी ऐसे मिलेगी, तो आप देखो मैं आपको खुद रिकमेंड करूँगा ये तीन चीज़ों का इस्तेमाल करना है। एक तो ये ब्लैक डॉट पेन, ब्लू डॉट पेन, और ये जो पेन आपको इस्तेमाल करना है वो अच्छी पेन होनी चाहिए, क्वालिटी उसकी अच्छी हो, ग्रिप अच्छी बने, राइटिंग उसकी स्मूथ हो। नया पेन इस्तेमाल मत करना, जो पेन इस्तेमाल कर लो उसको पहले कुछ दिन तक लिख लेना ताकि उसकी ग्रिप अच्छी बन जाए। फिर आप लाइनिंग करोगे, ठीक है, लाइनिंग मैं पहले कर देता हूँ, आप लाइनिंग कर लोगे। कई बच्चे लाइनिंग जब करते हैं ना वो यहाँ पर लाइनिंग खींच देते हैं, आधा भर देते हैं कि भाई विज्ञान में सॉलिड लिखोगे तभी नंबर मिलेंगे, अंडरस्टैंड लिखोगे नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, और एग्जाम में कभी कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, सारे अटैम्प्ट करने। तो देखो ये ऑफिशियल मॉडल पेपर मेरे पास रखा हुआ है, ठीक है, ये ऑफिशियल यूपी बोर्ड की तरफ से, इसका सोल्यूशन भी मैंने करा दिया, आपको मिल जाएगा, लिंक्स भी मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो आपके 20 बहुविकल्पी प्रश्न है, तो बहुविकल्पी प्रश्न उपखंड क लिख के हल नहीं करना है, डायरेक्ट इसका जो आंसर है क्वेश्चन यहाँ से पढ़ना है, ठीक है, यहाँ से पढ़ के सीधा आंसर यहाँ पर लगाना है, ठीक है, यहाँ कॉपी में कुछ नहीं करना है, यहाँ से पढ़ोगे और यहाँ पे आंसर लिखोगे, ठीक है, कॉपी में कुछ नहीं करना है। जैसे 5 प्रतिरोधकों को जोड़े, 5वें का आंसर कितना होगा, बी होगा, तो 5वें पे गए ये बी लगा दिया,
पूरा अच्छे से फिल कर देना है ऐसे। अगर काले से भरो तो सब में काले से करना है और गोल अच्छे से पूरा फिल करना है, ठीक है, ऐसे करना है आपको, ठीक है। तो कॉपी में ओमेर शीट वाला डायरेक्ट आंसर ओमेर शीट में आएगा, ऑब्जेक्टिव का। कॉपी में कुछ नहीं लिखना, कॉपी में कहाँ से आएगा किस तरीके से लिखना है वो भी बताता हूँ। जैसे यहाँ से है आपका, ये आ गया ऑप्शन नंबर, ये वर्णात्मक प्रश्न खंड ब है, तो आप क्या लिखेंगे, ओमेर शीट का काम खत्म, कॉपी में आ जाए, यहाँ पे आ जाए, यहाँ से आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे खंड ब, यहाँ पे डाल दोगे खंड ब, ठीक है। और ये प्रश्न उत्तर संख्या क्या है, एक है, चार नंबर का प्रश्न है, ठीक है ना। तो यहाँ लिख देंगे प्रश्नोत्तर संख्या एक का उत्तर, ठीक है। ये स्केच पेन से लिखोगे तो अच्छा लगेगा, ठीक है। और कोई भी मेन चीज जब आएगी ना, कोई भी मेन कीवर्ड, उसको इस काले पेन से लिखने की कोशिश करना बीच में। जैसे पहला प्रश्न आपसे बोला गया है, ठीक है, पहला प्रश्न क्या बोला गया, गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी लिखी है, ठीक है। तो चिन्ह परिपाटी क्या होता है वो आप यहाँ बनाएंगे, परिपाटी का चित्र बना दीजिए यहाँ पर, ठीक है। चित्र बना के आप जो भी बनाओ ना वो पेंसिल से बनाना है, मेरे पास अभी पेंसिल नहीं है तो कुछ पेंसिल से ही बनाना है। तो देखिए टॉपिक जैसे है कि यहाँ पर लिख दिया इस वाले से मेन टॉपिक पे बना के गोलिए, राइटिंग अच्छी होनी चाहिए आपकी, दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी ही आपने लिखा, ठीक है, चिन्ह परिपाटी लिखा। अब आपको चित्र बनाना है तो आप चित्र बना दोगे। चित्र देखो बच्चा मेरे पास अभी ना पेंसिल नहीं है तो मैं पेंसिल बना दे रहा हूँ, तो पेंसिल से चित्र बनाना है, ये काले पेंसिल से बनाना है, ठीक है। यहाँ पर इस तरफ क्या होता है, प्लस में होता है, ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे दाई। और एक चीज़ क्या है कि ये जो ही आप चित्र में जो कोई लिख रहे हो ना, इसको आप अगर आपके पास कोई कलरफुल पेंसिल है उससे लिखोगे तो और अच्छा होगा, अलाउड है कलरफुल पेंसिल से। नाम लिखना, नामांकन वाला जो प्रश्न आता है ना चित्र में, नामांकन आपको कलरफुल से भरने की अनुमति है। दाई ओर की दूरी जो होती है वो प्लस में होती है, ऐसे लिख देंगे, ये कलरफुल से आप लिख सकते हो। और यहाँ बाई ओर की दूरी माइनस में होती है इस तरफ। अगर यहाँ पर कोई वस्तु है, जैसे यहाँ कोई मैंने वस्तु रख दी, ऊंचाई ऊपर की ओर, ये जो ऊंचाई है, ऊंचाई ऊपर की ओर प्लस में होती है और ऊंचाई नीचे की ओर माइनस में होती है, ऐसे चित्र बना के दिखाना है। ठीक है, और इधर दूरी क्या होती है, एक्स एक्स सीधा माइनस में। ये सब चित्र वगैरह बना के प्रॉपर आप उसके बाद इसका लिखना शुरू करेंगे कि यहाँ से लिखेंगे पहली, यहाँ ये वाला काले पेन से आ जाएगा, ठीक है, ये किससे आ जाएगा, काले पेन से। पहला टॉपिक ये लिखा, पहला टॉपिक क्या हो जाएगा, जैसे बिंब हमेशा मेन मुद्दा, बिंब हमेशा इसके बारे में लिखना है ना, बिंब हमेशा दर्पण के कहाँ रखा जाता है बच्चों, दर्पण के बाई ओर, दर्पण के बाई ओर रखा जाता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा पॉइंट, अगर ये लाइन यहाँ तक अगर आ जाती तो मैं यहाँ से लिखता हूँ, एक लाइन छोड़ के मत लिख रही, यहीं पे लिखना है। दूसरा बिंदु हमारे पास क्या है, क्या किया जाता है, जो जो काम किया जाता है मुख्य अक्ष से मापा जाता है ना, तो लिखेंगे मुख्य अक्ष के समानांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं, ये लिख दिया मैंने। इसी तरीके से आप लिखते रहोगे, तीन चार पॉइंट और जो मेन है वो लिखते दोगे, यहाँ से ये सब लिख दोगे, ठीक है। और जैसे ही आ जाए पूरा नीचे दो लाइन छोड़ देना और यहाँ पर लिखना है प्लीज टर्न ओवर, कृपया करके पन्ने को पलटिए। अब सपोज करो कोई क्वेश्चन है, जैसे कि कोई सपोज करो एक क्वेश्चन आ गया, तुम अगर फ्लो चार्ट बना पाओ तो वो लिखना,
सपोज करो एक क्वेश्चन आ गया, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, कितने प्रकार की होती है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे प्रश्नोत्तर संख्या दो का उत्तर, प्रश्नोत्तर संख्या दो का उत्तर। सपोज करो कुछ भी पूछा गया है, यहाँ पर न्यूमेरिकल भी हैं आएंगे इसमें, है ना, चित्र वाले भी आएंगे, तो सब चीज़ों का ध्यान में रखना है, ठीक। जैसे ये चित्र आएगा ना, तो ये जो चित्र है ये चित्र आप पेंसिल से बनाओगे, और ये जो लिखा हुआ है मूत्र वाहिनी वीर्य, ये सब आप कलरफुल पेंसिल से इसको लिखोगे तो और अट्रैक्टिव लगेगा। कलरफुल पेंसिल अप्लाई कर सकते हो सिर्फ नाम लिखने के लिए, चित्र जो बनेगा वो काले पेंसिल से बनाना है, ये चीज़ बोर्ड वालों ने खुद बताया। तो प्रश्नोत्तर संख्या दो है, जैसे यहाँ पर है रासायनिक अभिक्रिया, टॉपिक है आपका, फ्लो चार्ट बना दो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, ऐसा आगे रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार होते हैं वर्णन कीजिए। तो अगर फ्लो चार्ट बन रहा है तो बनाओ, उससे अच्छा प्रेजेंटेशन होगा। फ्लो चार्ट अभिक्रिया होगी, ये लिख दिया मैंने रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। प्रेजेंटेशन जितना अच्छा बना पाओ, यहाँ लिखा फ्लो चार्ट में, ऐसे ऐसे बनाओगे तो कॉपी भी भरा भरा लगेगा और अच्छा लगेगा। जैसे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार क्या हो गए, एक यहाँ पर लिख दिया संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। फिर लिख दिया यहाँ पर वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। फ्लो चार्ट अगर बना पा रहे हो तो बनाओ, उससे प्रेजेंटेशन अच्छा होगा। दो है, मैंने तो एग्जांपल दे रहा हूँ, संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया कुछ भी हो सकता है, जो जो बोलेगा। फिर ये लिखने के बाद फिर यहाँ लिख दो, उस फ्लो चार्ट पे अच्छा दिख गया, फिर यहाँ बना दो संयोजन अभिक्रिया, लिखो यहाँ लिख दिया संयोजन अभिक्रिया, टॉपिक हो गया, उसके नीचे से लिखना, से यहाँ से लिखेंगे क्या होता है संयोजन अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो, अब इधर पूरा नहीं लिखना है क्योंकि पन्ना फोल्ड होता है तो ये छुप जाएगा, अगर आप बी शीट लेंगे तो ये ढक भी जाएगा, तो ज़्यादा उधर नहीं जाना है। दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। जब भी एग्जाम्पल दोगे, ठीक है, वो संतुलित होनी चाहिए, ये भी ध्यान रखना है, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैं उदाहरण दूंगा, यहाँ पर उदाहरण देना है तो उदाहरण लिखूंगा, एक लाइन छोड़कर उदाहरण, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया Mg प्लस ओ टू, टू एम जी प्लस ओ टू, तीर कंडीशन टू एम जी ओ, ठीक है। तो Mg क्या है, मैग्नीशियम, यहाँ लिख दूंगा मैं मैग्नीशियम है ये, ये मेरा अभिकारक है, ये मैग्नीशियम हो गया, ये क्या है ऑक्सीजन है, प्रॉपर प्रेजेंटेशन अच्छे से लिखना है, और ये क्या हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। ये भी लिख सको तो लिखो तो बढ़िया होगा कि ये अभिकारक हैं, ऐसे करके लिख दिया, ये अभिकारक हैं और ये क्या है उत्पाद है, इसके ऊपर उत्पाद लिख दो, इसके ऊपर अभिकारक लिख दो, तो ये प्रॉपर प्रेजेंटेशन होगा। फिर हो गया यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे, फिर दूसरा लिख दो, तो इससे प्रेजेंटेशन और अच्छी लगेगी। तो इस तरीके से लिखोगे, चित्र कैसे बनाना है वो भी मैंने बता दिया, ठीक है। ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। अब जैसे कोई खंड हो गया है, किसी भी नंबर से कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हो, और इसमें देखो बस एक दो ही चीज़ है, एक उपखंड क है और एक उपखंड, देखो यहाँ से आ गया, तो प्रश्न संख्या सेम है, ऐसे ही आएगा 3, 4, 5, 6, जो प्रश्न आपको अच्छा लगता है, आगे पीछे किसी को भी आप कर सकते हो, किसी को भी कर सकते हो, तो टोटल आपके 11 प्रश्न आएंगे, ठीक है। तो सबको करना, कोई एग्जाम में छोड़ना मत,
ये मॉडल पेपर मैंने ऑलरेडी सॉल्व करा रखा है, इसको ध्यान में रखना, ठीक है। अब एग्जाम में किस तरीके से तैयारी करनी है, विज्ञान के एग्जाम में आपको सब कुछ तो मैंने पढ़ा रखा है, अब बोर्ड वालों ने क्या बताया वो भी देख लीजिए। देखो यहाँ पर बोर्ड वालों ने बताया, खुद बोर्ड के वालों ने क्या बताया, विज्ञान के निर्धारित पाठ्यक्रम को पढ़ें, जो आपका रिड्यूस सिलेबस है ना 30% नहीं है, और समय सारणी का निर्माण करें। अभी आपके पास कितने दिन का गैप है, 27 का पेपर है, पाँच छः दिन का गैप है, 20 में एक चित्रकला का भी पेपर है, तो वो तो ऐसे ही आराम से हो जाएगा, उसकी कोई टेंशन नहीं लेनी है। सबसे पहले चीज़ इन्होंने मेंशन किया है, विगत वर्षों के बोर्ड परीक्षा के रसायन विज्ञान के प्रश्न पत्रों एवं मॉडल प्रश्न पत्रों को पैटर्न को समझें। मतलब विगत वर्षों के प्रश्न पत्र बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर विज्ञान में अच्छा स्कोर करना है तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि खुद बोर्ड वाले बोल रहे हैं। तो विगत वर्षों के चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करा रखे हैं, लिंक्स भी मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उन्हें हल करने का प्रयास करें, मैंने ऑलरेडी हल करा रखा है, ठीक है। और ये जो मॉडल प्रश्न पत्र है ये आपको इस वेबसाइट पर भी मिल जाएगा, और इसका ऑफिशियल मैटर मैंने ऑलरेडी सॉल्व करवा दिया है, ठीक है। अभी नोट्स बनाने का टाइम हमारे पास नहीं है, अगर थोड़ा मोड़ा नोट्स बना पाओ तो बना लेना, ठीक है। और सूत्रों को अच्छे से सूचीबद्ध बनाएं कि बृंजक चूर्ण का क्या होता है, छोटे छोटे ऐसे लिख के याद करें कैसे बनता है, और रसायन विज्ञान से संबंधित अध्यायों में समीकरणों को लिखकर संतुलित करने का अभ्यास करें। संतुलित रासायनिक समीकरण आपको आ सकता है एग्जाम में, और कोई जैसे कोई क्वेश्चन है अध्याय संबंधित फ्लो चार्ट बनाकर याद करें। कोई भी चीज़ है जैसे पौधों में लैंगिक जनन पूछा गया है तो ये फ्लो चार्ट बनाना है, जैसे विखंडन क्या होता है अमीबा, खंडन कहाँ होता है स्पाइक वगैरह में, पुरुद्भवन प्लेनेरिया में, मुकुलन हाइड्रा में, कायिक प्रवर्धन इसमें होता है, ब्रायोफिलम में, बीजाणु समामक राइजोबस में होता है, और भौतिक विज्ञान के संबंधी प्रश्न में जो न्यूमेरिकल आएंगे उनका सूत्र लिखें, उसका सूची बनाएं, आंकिक प्रश्नों को हल करें डेली। तो चैप्टर वाइज मैंने करा रखा है, वो भी मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। उसके बाद जीव विज्ञान में वर्गीकरण से संबंधित अध्याय को चार्ट के माध्यम से याद करें, ठीक है। इसका इसके अंतर, ठीक है ना, जो वर्गीकरण का अध्याय इसमें उसमें क्या अंतर होगा, ये क्या होता है वो क्या होता है। तो चैप्टर 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, 6, 7, 8, 9 चार चैप्टर है, तो सब कुछ पढ़ा रखा है मस्त, ठीक है, वो ज़रूर देखना। प्रकरण से संबंधित चित्रों को बनाने का प्रयास करें, तथ्यों को रटने के स्थान पर समझने का प्रयास करें। इन चीज़ों को अप्लाई करोगे तो बोर्ड एग्जाम में आपके अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सपोर्ट ज़रूर दें, डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लें।